याद है मेरे गुरुजी 90 साल के थे, कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको मेदांता में लेके जाता था दिल्ली गुड़गांव में। तो जब तक डॉक्टर देखता था तो डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर ने कह दिया आप तो बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद अपनी छड़ी उठा के मुझसे कहते चलो भैया चला जाए। मैं कहता आप बीमार है कुछ रुक चाहिए, कहा नहीं डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक हो कोई बीमारी नहीं है। मैं कहता देखिए कितना असर होता है 90 साल की उम्र में, पर डॉक्टर ये कहे कि भाई आप तो एकदम ठीक हैं, वो तुरंत अपनी छड़ी उठाते थे कहते मैं चलो चला जाए गोरखपुर वापस चलते हैं। मैं कहता था नहीं कुछ देर रुक चाहिए, एक दो दिन रुक चाहिए, जब आए हैं तो एक दो तीन दिन आराम कर लीजिए यहां पे। कहते नहीं नहीं अब तो डॉक्टर बोल चुके हैं। कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है वह आपको देखना होगा। पेशेंट के साथ आपका व्यवहार बहुत सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, हमें उसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा, उसके पारिवारिक स्थिति को देखना पड़ेगा और हमारा व्यवहार उसमें बहुत मायने उसके लिए रखता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने की सबसे पहली कला यही है हम उसकी समस्या को समझें, न कि अपनी समस्या को उस पर ला दें, और उसकी समस्या के समाधान का रास्ता अपने व्यवहार के माध्यम से निकालें। एक दूसरा, हम केवल एक चिकित्सक के रूप में सामान्य उपचार का ही के लिए ही कार्य करते हैं। याद रखना हर पेशेंट आपके लिए एक प्रयोगशाला भी है, उसके लक्षण को जानना है। मुझे याद है मेरे एक सहयोगी संत थे, 2007-08 की घटना है, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भी तुम कहां हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो लखनऊ में उपचार करा रहा हूं। मैंने कहा क्या हो गया, कहा मैं बीमार हूं। तो मैंने कहा मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूं, चलो तुम मेरे साथ चलोगे दिल्ली दिखा देते हैं, चलिए एम्स में। मैं सांसद था उस समय, तो उसने कहा मैं तो एडमिट हूं, तो मैंने कहा एक काम करो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मैं तुम्हारा भी रिजर्वेशन करा दे रहा हूं, मेरे साथ दिल्ली चले जाओ। अच्छा मैं समझा कि एक सामान्य बीमार होगा, तो रात्रि को ट्रेन जैसे ही पहुंची 10 बजे स्टेशन लखनऊ स्टेशन पे, तो चार लोग उसको टांग करके ले गए। मैंने कभी मैंने कहां से बवाल ले लिया, अब चार लोग तो हैं, मैंने दो ही सीट रिजर्व करा रखी है। तो मैंने उनको खैर किसी प्रकार से बुलाया, टीटी को बुलाया, मैंने कहा दो और सीट कराओ भी किसी प्रकार से। रेलवे स्टेशन पे दिल्ली एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस मंगाने के बाद फिर वहां पे उनके उपचार के एम्स में लेके गया। प्रोफेसर दवे वहां पे डायरेक्टर थे एम्स के, मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है एक पेशेंट हम भेज रहे हैं। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं भी चलता हूं, मैं भी वहां गया देखा। मैंने तब तक प्रोफेसर दवे ने अपने चैम्बर में ही उनको बुलाया। तो पेशेंट के लक्षण को देखते हुए ही उन्होंने कहा इनको कोई बीमारी थोड़े है। अरे हमने कहा इनको चार लोग टांग के ला रहे हैं, आप कह रहे हैं बीमारी नहीं है। कहा नहीं नहीं कोई बीमारी है, सब अब इन्होंने स्वयं पाला हुआ है। मैंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा इनको बोलो जी कि क्या होते हैं, इनको बोलो समय पे जगह करें, समय पे भोजन किया करें, समय पे सब नियमित दिनचर्या अपनाएं, कोई समस्या नहीं है। और उन्होंने उनकी बेल्ट लगी हुई थी पीछे, उन्होंने कहा सर बेल्ट को उतार करके उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। कहा सर वो कहते हैं मैंने 6000 रुपये में खर्च किए इसके लिए, वो कहते तो 6000 तुम्हारी पूरी बॉडी को खराब कर देगा, इसको फेंक दो। उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने कहा इनको लेके जाइए कोई बीमारी नहीं है और इनको केवल एक मैं दवा दे रहा हूं, जब पेन हो तभी देना मत, बाकी मत दिलवाना। जब एक थोड़ा भी इनको रिलीफ हो इनको थोड़ा योगासन सिखा दीजिए, समय पे जगें, समय पे सोएं,
नियमित दिनचर्या जीवन जिए, कोई बीमारी नहीं होगी। और मैं देख के ताजुब कर रहा था, एक महीने के बाद वही व्यक्ति मेरे पास अपने पैरों से चलते हुए आया और कहने लगा, साहब मुझे कोई बीमारी नहीं। आप देखिए, एक डॉक्टर केवल देख के बोल रहा है, और नहीं तो वो पता नहीं कितने हजार रुपए वो खर्च कर चुके थे। हमें अनुभव एक एक चीज को बकायदा, आपके पास बीएसटी जब किसी पेशेंट की बनती है तो आपके लिए स्टडी का माध्यम बनना चाहिए। स्टडी करिए, अपना स्टडी पेपर तैयार करिए, रिसर्च पेपर उससे तैयार होगा आपका। आपकी स्टडी नए छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन में आप अपने स्टडी पेपर को भेज सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात का उदाहरण आपके सामने देता हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की एक बीमारी थी। 1977-78 में बीमारी वहां देखने को मिली। हर वर्ष वहां से प्रारंभ होते होते ये सहारनपुर तक, पूरे नेपाल के तराई के बेल्ट में पूरे होते होते वहां तक पहुंच गई थी, और 1200 से लेकर 1500 मौत प्रतिवर्ष होती थी। बहुत खराब स्थिति होती थी। मैं 1998 में सांसद बना, तो मेरी नियति थी संसद चलता था तो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाता था, जब संसद नहीं चलती थी तो सड़क पे आंदोलन करता था। लेकिन 17 में मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैंने कहा भी अब तो ना मैं उठा सकता हूं ना आंदोलन ही कर सकता हूं, तो अब मुझे इसके लिए लड़ना होगा। तो हमने स्वास्थ्य विभाग के को नोडल विभाग बनाकर के एक अंतर विभाग के समन्वय से, क्योंकि तब तक मेरे पास अनुभव भी हो गया था, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन भी इसकी प्रारंभ करा दी थी, रिजल्ट जहां के तहां थे। बैक्टीरिया ने अपना वायरस ने अपना नेचर चेंज कर लिया था, और इसके बाद हम लोग लगातार कार्य करते। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था, इस महामारी में हमें बचाव के साथ साथ यहां पे उपचार दोनों को एक साथ लागू करना होगा। और तब मैंने 12-13 विभागों को मिलाकर के एक अंतर विभागीय समन्वय तैयार किया था, टीम गठित की थी, और एक साथ कार्यक्रम चलाए। आज भी स्वास्थ्य विभाग उस कार्यक्रम को चला रहा है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया, अगले 4 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह हम नियंत्रित करने में सफलता पाई। अब मैं गोरखपुर में जाता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज वहां पे इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट नहीं देखने को मिलते। आज कोई पेशेंट नहीं है, नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर तक कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बल्लामपुर, बैराइज, श्रावस्ती, आपके लखीमपुर खीरी होते हुए, पीलीभीत होते हुए सहारनपुर तक भय और दहशत का माहौल होता था। भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं कौन बच्चा 1 से 15 वर्ष तक का कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। और आज एक निश्चिंतता है, सरकार ने स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर किया, स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, अन्य सुविधाएं भी दी, लेकिन बचाव के लिए किए गए प्रयास आज उसके परिणाम हम सबके सामने, और अंतर विभागीय समन्वय कैसे उसमें बेहतर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, डॉक्टर उपचार तो करते थे गोरखपुर में, पूरा ईस्टर्न यूपी गोरखपुर के ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते थे उपचार कराने के लिए, लेकिन इस पे कोई स्टडी पेपर किसी भी डॉक्टर ने तैयार नहीं किया, किसी ने नहीं तैयार किया। आपके पास एक अवसर है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, अभी से हम प्रोजेक्ट अपना तैयार करने की तैयारी, अपनी तैयारी करें। दोनों फैकल्टी मेंबर के लिए भी आवश्यक है, स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है, यूजी पीजी या सुपर स्पेशलिटी में जो भी लोग यहां पे एमसीएस में भी या डीएम की पढ़ाई आगे आने वाले समय में होगी, तो इन सभी के लिए भी आपकी लैबी से तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको इस सफलतम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और यह आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह आपके लिए नहीं, मानवता के लिए उपयोगी होगा। दुनिया के अंदर
आज इसकी आवश्यकता है, इस पूरे एशिया क्षेत्र रीजन में ही नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों में जो जिसको आप तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं, इस रूप में आज भी वे लोग जीने के लिए मजबूर हैं। आपका यह सोच उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, शेष मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है, और इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये पक्ष हमारा छोड़ जबकि डाटा आपके पास मौजूद है। पूरी लड़ाई तो इस समय डाटा की चल रही दुनिया में, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लड़ाई, ये जो आपको ये जो फ्री में कॉल की सुविधा मिल रही है, हम लोग खुश हो जाते हैं इसी में कि चलिए फ्री में आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों फ्री में है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप जितनी बार कॉल करेंगे सारे डाटा तो कैप्चर हो रहे हैं उसके पास, और उसी को बेचने का काम करता है। उसी से पता लग जाता है आपकी रुचि किस विषय पे, आप क्या करना चाहते हैं, और उसी में दुनिया भर की कंपनियां कार्य करते हुए उसी प्रकार का एड तैयार करके फिर अपना मार्केट करके दुनिया के अंदर सबसे धनी लोगों की श्रेणी में खड़े हो गए हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हमें तो फ्री में मिल गया, लेकिन हम उनके लिए मार्केट बन गए हैं। हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना होगा, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे जहां इस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी के नए हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, वहीं साथ ही साथ यहां के नवनियुक्त कार्मिकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। नियुक्ति पत्र में मैं देख रहा था देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग आए, अच्छे लोग आएंगे, कार्य करेंगे, अपने स्किल को यहां के स्किल के साथ जोड़ेंगे, उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक अच्छा प्रयास है, मैं विश्वविद्यालय को इस अच्छे प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पे जनपद में हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो विकास के कार्य स्वीकृत कराए थे उनका भी आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, हर घर नल की योजना से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं और अन्य तमाम प्रोजेक्ट भी हैं। मैं इसके लिए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इटावा वासियों के लिए को इसके लिए भी हृदय से बधाई देता हूं कि वे सभी इसका लाभ प्राप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यहां पर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप बेहतरीन स्वास्थ्य का एक केंद्र बने। हम यहां कैंपस में, मैं एक अपील जरूर यहां के जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आचार्य हैं, उन सब से मैं इस बात के लिए अपील करूंगा, पेशेंट को सीमित न रखें कि मैं 5 ही पेशेंट देखूंगा या 10 ही देखूंगा, जितने आ गए सबको देखिए, हर व्यक्ति एक नया अनुभव आपको देगा, एक नया आपके लिए रुचि, और पेशेंट देखते समय अपने तनाव को दूर करके जाइए, एकदम तनाव मुक्त होकर के देखिए, परिणाम बेहतर आप दे पाएंगे, अच्छे खुशहाल माहौल में आपको इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, बेहतर परिणाम आप देने में सफल होंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद। योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और सैफई में आज इस नए 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, और इस